इतने शोर मचाया इसने। और टोपूराम हेलो, इसकी आईज देखो गाइस कितनी बाहर आ गई। अभी गाइस इसकी ना पीछे वाली इसकी बम्मी जल गई। तो गाइस एसी आ गया हमारा, उन्होंने ना पूरी सिरिंज डाल के ना इसकी आंख में से वो निकाला है। क्या हो रहा है? बनी फिर से जा रहा डॉक्टर के पास। और बनी के लिए ले रहे हैं हम पानी। लास्ट टाइम इसके लिए पानी नहीं लेके गए थे। और गाइस इसकी आई ना हमें फिर से थोड़ी सी स्वेल लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है इसकी आँख का। हालांकि जख्म इसका काफी कम हो रहा है, तो जख्म कम हुआ है, लेकिन हमें थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है इसकी आईज पे। शायद मैं भी हमने कल लेके जाना था, लेकिन हम आज ही लेके जा रहे हैं। चलिए बढ़ ना जाए, इसलिए कोई डॉक्टर ने कोई दवाई चेंज करनी हो तो वो चेंज कर देगा। सो हे गाइस, की हालचाल सर, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। बोलो गुनीत, बोलो बोलो, गुड मॉर्निंग। हरप्रीत एसडीसी कैसे बोलेगी, सो रही है। और देखो यहाँ पे हम गद्दा इसलिए नहीं बिछाते क्योंकि ये फिर गद्दा ना 11-12 बजे तक बिछा रहता है। अनु रेडी, चले डॉक्टर के पास। अब वो वहीं सोई रहेगी, थोड़ी देर वहीं खेलेगी, वहीं टीवी देखेगी, वहीं सब कुछ करेगी। अभी वो टीवी लगा के कोकोनट वाटर दे दे यार। ओए होए, वाटर स्टाइल। पत्ता झड़ चल रहा है और गाड़ी पे पत्ते ही पत्ते हो गए। आज बनी आया अपना वो पहन के, डॉक्टर को ये भी दिखा देंगे कि ये भाई ये पहन इसका ये वाला है। पर टॉयलेट वॉयलेट करवा लेते यार, टॉयलेट करवा लेते बाहर, चल वही कर लेगा तू, घर से ही आया वैसे तो। सो गाइस चलो हम निकल रहे हैं, हम मिलते हैं आपको सीधा डॉक्टर के पास। इतना जाम मिला है हमें रास्ते में, लेकिन ये बच्चा आधे घंटे से ज्यादा हो गया है और ये बैठने का नाम नहीं ले रहा है। और ये ऐसे हो जाता है जैसे घबराहट नहीं होती गाड़ी में, ऐसे होता है। इसलिए हम इसको कुछ खिला के नहीं लाए हैं, खिला के लाते हैं तो वॉमिटिंग कर देता है। और आप भी अगर अपने डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो उसको खिला के मत बिठाओ, वरना पक्का वॉमिट करेगा डॉग। आधा घंटा और है गाइस। हो रहा है क्या बाहर? जो आ गया अब तो इतने खुशी होगा। शोर मचाया इसने। और टोपूराम हाँ गाड़ी में इतना शोर मचाया, देखो इसकी आंख। चलो बनी चलो, ये क्या है टोपू सा चल रहा है, कैसे हिल रहा है देखियो। आते बाद में इसको चाय पहले चाहिए होती है। अनु इसकी आईज देखो गाइस कितनी बाहर आ गई, समझ ही नहीं आ रही, कभी ठीक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जैसे हम खुश ना हो, जैसे हम खुश होते हैं वैसे कुछ हो जाता है। हाँ, फिर इसकी आईज में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। ये देखो कितनी ज्यादा स्वेलिंग है, कैसे भाग रहा है वो। यहाँ से सब भागने को तैयार रहते हैं। चलो 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 चल, देख कैसे रहा। इसकी आई में इंजेक्शन डाल के ना उससे वो सारा जो फिल हो रहा था वो निकाला है। हाँ। हमें डर लग रहा था और इसने इसने एक चूं तक नहीं करा। हम दोनों ये लड़ रहे थे कि कौन पकड़ेगा, कौन बेहोश नहीं होगा। और इस बच्चे ने टचूड, इसने चूं तक नहीं करा गाइस, कुछ भी नहीं करा। डॉक्टर हैरान था इसको देख के। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी आईज थोड़ी हील तो हो रही है, लेकिन इसकी आई थोड़ी सी वैसी ही रहेगी बाहर को। मैंने 3 बार डॉक्टर को पूछा विजन का क्या है, वो कह रहा क्या नहीं सकते। मैंने फिर पूछा, मैं उसे हाँ कहलवाना चाह रही थी जो उसने नहीं बोला। विजन का कोई भरोसा नहीं है अभी, पर ना भी तो नहीं है ना, उसने ये भी नहीं बोला कि नहीं आएगा। तो इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है, प्रेज पे। 3 बार दरवाजा खोल रही है, गाड़ी खुली नहीं है, बार बार खोल रही है जा जाके, बदतमीज जाने वाली इंसान। अभी गाइस इसकी ना पीछे वाली इसकी बम्मी जल गई, एक गाड़ी में बैठा जाके और धूप से सीट गर्म हो रखी है, उछला हुआ जो। और अभी मैं उछलने वाली हूँ, इसको गर्मी लग रही है बहुत तेज, बहुत गर्म हो रही है गाड़ी। पीले पीले पानी पी रहा बनी। धीरे धीरे करके पी रहा है बड़ा। कैसे डोई जली थी इसकी। बेचारा नीचे पैर नहीं रख रहा, गोदी में चढ़ा हुआ है। हमें पता नहीं था गाड़ी इतनी गर्म होगी, हमने सबसे पहले इसको चढ़ा दिया गाड़ी में। और ये ऐसे ऐसे पैर से उछला डांस कर रहा था। सारे चल मेरे ही पल्ले, चले यहाँ से वो चले। ठीक नहीं है ये, पता नहीं बेचारा बहुत ज्यादा वो हो गया, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बहुत ढीला ढीला चल रहा है। हेलो बाजू, हेलो बाजू, बाजू खाना खा लिया आपने? खाना खा लिया था, बस हो गया तेरा टीवी शुरू। मेरा बर्गर कहाँ है? मम्मा का कहाँ है?
खा लिया मम्मा ने? आपने अपना बनु चल अब रेस्ट कर, तेरे को खाना दे बेटी, थोड़ी देर में खाना खाइयो, भूख लगी है। हाँ वही, उसको घबराहट हो रही है अभी भी। अब मैं गाइस थोड़ा रेस्ट करूँगा, बर्गर खाऊंगा, उसके बाद रेस्ट करूँगा। मेरी भी तबीयत आजकल ऐसे ही चल रही है भैया। अभी चाय पी के आई है ना वहाँ पे, देखो फिर चाय बनवा रही है। जाते हैं, जाने से पहले भी चाय पी गई थी, वहाँ पे भी चाय पी है, फिर चाय पिएगी। अब बर्गर ठूस रही है। मैं बर्गर पूछना भूल गई, तो हरप्रीत कैसा है? क्या है भाई हमारा एसी आ गया? ये एसी आ गया। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो छुप गई। तो भाई एसी आ गया हमारा, अब हमारे बेडरूम में नया एसी लगेगा। और सतिंदर खुश हो जाएगी क्योंकि वो मेरा दिमाग खा रही थी ट्रेनों से, वो इस वाले बेड पे सो नहीं पाती, पुनीत वाले बेड पे। तो एसी आ गया, उसको बॉडी पेन होती है उस पे। और देखो अब वो इसी पे लेटी, अब नहीं हो रही तेरी बॉडी पेन इस बेड पे? तो 10 मिनट लेटी है ना, 5 मिनट लेटना और सोना अलग बात होती है। छीके क्यों मार रही है? एसी आया नया, आ गया। हाँ कांग्रेचुलेशंस, फाइनली। मेरे को तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था एसी ना होने का। अब क्या करना है, हमने वो जो बेडरूम में एसी लगा हुआ वो उतार के उसको लगाएंगे हम यहाँ पे। ये वाली विंडो में दिखाता हूँ मैं आपको, जो बेडरूम में लगा हुआ वो लगेगा यहाँ पे, नया एसी आया वो लगेगा हमारे बेडरूम में। और ये देखो बन्नू की आईज, वो इंजेक्शन लगाने के बाद ना अंदर चली गई है इसकी आईज, पता नहीं क्या सीन है, क्या ही कर रहा है, समझ नहीं आ रही मेरे को। कभी लगता है ठीक हो रहा है, कभी लगता है फिर खराब हो रही है। एसी आ रहा फटाफट, मैं उससे जरा हेल्प करवा दूँ उनकी। गुनीत अंदर ले आओ इसको, अंदर ले आओ ना, उठाओ तो सही, कोशिश तो करो, यू कैन डू इट। देखो हिला तो दिया आपने, ब्रॉडी तो हट यार, अभी ब्रॉडी को भी मजा आने वाला है, ठंडी ठंडी हवा भी सोएगा। तो वो वैसे भी सोता ही है, वो उनको क्या है, वो तो जहाँ मर्जी सो जाते हैं। ब्रॉडी करो ना अंदर गुनीत, क्या क्या है भाई, छोड़ो ना आप, छोड़ो आप, कर लोगे अकेले? तो गाइस ये आ गया हमारा एसी जो कि है एलजी का। हमने वो जनरल का लेना था लेकिन हमने ये वाला क्यों लिया है, क्यों लिया हमने ये वाला? अच्छा पता ही नहीं था आपको भाई। अगर विंडो एसी जो की बात है ना, जब वो स्प्लिट एसी में मजा नहीं आता, अगर आपके घर में विंडो है ना तो विंडो एसी लगाओ। मेरे को तो विंडोज एसी ज्यादा पसंद है, अगर विंडोज है तो घर के अंदर वो बात अलग है। अगर आपके पास स्प्लिट विंडो नहीं है, ओपन करें जहाँ भी नहीं, वो कंपनी वाले आके ओपन करेंगे, ऐसे हम ओपन करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई इसमें तो वो ठीक नहीं करेंगे फिर। नहीं नहीं कर सकते, कंपनी वाले खुद आके ओपन करते हैं। क्यों मेरे को खोलना है? एसी में क्या दिखना है आपको, चपेट खानी है, है ना, बॉक्स भी है। उसमें हाँ तो ले लेना। अच्छा हाँ उसमें सोएगी, लिविंग है ना, बॉक्स को 24 आवर्स कर ले। कर लेना ठीक है, ये तो कर भी लेगी गाइस। क्या बोलते हो आप लोग, कमेंट करके बताओ, लिविंग है ना बॉक्स को 24 आवर्स करें? कह रही लिविंग है ना एसी बॉक्स को 24 आवर्स करूंगी। ये मेरी दीदी के पीछे भाग रहा है, ओए खा रहा एसी से चिपकी पड़ी तब की, ये एसी जब तक खोल नहीं लेगी ना इसको चैन नहीं पड़ेगा। क्या उसने लिखा हुआ है कि कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा इसके, यहाँ से बैंड हो जाएगा वरना। तो मैं भी बैठ गई थी, ये इसकी फ्रंट है, ये इसकी बैक है, ऊपर बैठ गए थे इसके। आपसे तो पूछा था, थोड़ी थोड़ा वेट कम करो, पकड़ना यार। ये किसने घुमाई है सीट? मैंने। आप सारी हरकतें उनकी की आप ही करते हो। हो गया, मेरी वेट कम हो गया। ये क्या गाइस, इन्होंने वेट ऐसे कर लिया था? नहीं नहीं वेट कम हो गया, एक्सरसाइज की है मैंने। मैं आज बोलने वाला बनू ना, मैंने आज एक्सरसाइज की है। क्यों बनू? गाइस बनी की आज दिखाता हूँ मैं, अंदर चली गई इसकी आई, उन्होंने ना पूरी सिरिंज डाल के ना इसकी आंख में से वो निकाला को नहीं पता है। और इसने चू तक भी नहीं करी, इसकी आंख में सुई घुसाई उन्होंने पूरी, और ऐसे वाटर निकाला इसकी आंख का, और इसने चू तक नहीं करी बेचारे ने। इतना दलेर यार, इतना दलेरू राम है, कुछ नहीं कहता ये है। हाँ जरा भी नहीं, ब्रॉडी भी नहीं करता चू तो, हमारा ब्रॉडी भी दलेर है तो ना, हमारे बच्चे बड़े प्यारे हैं। कहाँ कहाँ चले, क्यों वेस्ट कर रहे हो? वेस्ट नहीं ना बंदे,
कहाँ चले? जाना था वॉक पे। चलते हैं, मम्मा अभी बना रहे ना दलिया। अभी दलिया बना ले फिर चलते हैं वॉक पे, ठीक है? हाँ हाँ चल रहे हैं, मतलब मैं दो मिनट रेस्ट कर रहा हूँ, ब्रॉडी बनी घुमा के लाया हूँ। रेजिंग डे ऑन है, राइजिंग उन्हें क्या ये चेयर में बैठ के देखोगे? हाँ। पता नहीं चेयर कभी यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ से यहाँ। चलो बैठ गए अब। अच्छा नीचे करवाने के लिए बैठा रही है, ये लो और ऊपर करो उसको। अभी जाता मैं तो गिरती नहीं, वो ऐसे ही होते थे। हम देख रहे हैं राइजिंग डे ऑन है, रेजिंग डे ऑन है, राइजिंग डे ऑन सीरीज देख रहे हैं। Rising Dawn movie हम वो देख रहे हैं सीरीज। इसके बाद हम जाएंगे डिनर करके वॉक पे। ये रेडी है हमारा तलिया पुलाव। तुमने बैचलर सीरीज देखी? क्या देख रहे हो तुम दोनों? वही देख रहे हैं। बनी बाबू कहाँ हो गया इसको, क्या हो गया, ये इतना ढीला क्यों पड़ा हुआ है? इसका वो नीडल से निकाला ना, शायद उसको पेन हो रही होगी। वही, बहुत ढीला है गाइस। आ भी नहीं रहा। आवाज सुनो, इसकी आवाज सुनो। सो गया है क्या? उठा हुआ तो कराटे क्यों मार रहा है फिर? एक तो क्या टोपा था पहना के बेचारे को, गुनी सो गई है गाइस। ये देखो दलिया छोड़ के रोटी बनाने लगी तो मैं दलिया खाऊंगी। देखना गाइस अभी, एथे चिक्का मोली सी, एथे चिक्का मोली सी, आई आई वाइब्रेट होने लगी गाइस। सो गाइस अब हम बन्नी के साथ नीनी करने लगे हैं। बस कराटे बाज है हमारा, इतना प्यारा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, मैं आपको गाइस बता ही नहीं सकता। जब बता ही नहीं सकता तो मैं क्यों बताऊं, है ना? तो चलो बाय, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, हम जा रहे हैं सोने और हमारी यहाँ पे मूवी स्टार्ट होने वाली है। पुनीत और मेरी स्टार्ट होने वाली है, स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, अब ये जितना भी ये इसने मूवीज देख ली, ये कर ली हमने, जितने बाप बेटे ने जितनी ऐश करनी थी कर ली। अब आ गई है माँ की बारी। अब माँ ने तेरी ऐसी बारी नहीं आ गई, पढ़ाई की बारी आ गई। हाँ, माँ ने तेरे पढ़ाना है उन चंगी तरह। अब हमने बेस हिंदी में ना इसकी बड़ी गड़बड़ होती है। जितनी चीटिंग करनी थी ना ऑनलाइन करनी, सब हो गई चीटिंग है मीटिंग है। अब सारे बच्चों की ऐसी की तैसी है, जो पढ़ाकू है वो तो खुश है, जो नलायक है वो बेचारे यार क्या हो गया, क्या हो गया, वो वेट कर रहे हैं फोर्थ वेव का भाई। वो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं फोर्थ वेव आ जाए। हमारे जानकार है, उनका बच्चा कहता है कोई बात नहीं मम्मा, एक महीने बाद स्कूल फिर बंद हो जाएंगे। अब ना हो भाई, अब ना हो, मुझे भी अपने काम करने, इवेंट्स करने, शोज करने, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया। सो गाइस चलो इस व्लॉग पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपनी फैमिलीज में फैला दो, सबको दिखा दो। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ऐसे चैनल को, हमारी फैमिली को प्यार देते हैं। ये आजकल के बच्चे बैठे बैठे ऑर्डर मारते हैं, पापा नेल कटर दे दो, पापा पान दे दो, बदतमी जान इंसान। बच्चे ना बच्चे, ये यहाँ पे घोड़े भी आ गए हैं।